बच्चे अभी नेक्स्ट हम रिसिप्रोकल मल्टीकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स का मीनिंग होता है उल्टा कर देना, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि जो नंबर्स जो दिया होता है वो नंबर को हमें उल्टा करके हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर का करके जो आंसर आता है वो आंसर अगर वन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसिप्रोकल कहते हैं। तो चलो बच्चों उसको हम एग्जांपल बाय सीखेंगे। तो यहाँ पे 4/5 है तो उसका उल्टा क्या हो गया, 5/4, यानी कि यहाँ पे न्यूमिनेटर को क्या कर देना है, डिनोमिनेटर कर देना है, और ये जो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर बना देना है। तो अपोज यहाँ पे हो गया 4/5, तो क्या हो गया 5/4। तो ऑल्सो 4/5 मल्टीप्लाई 5/4, तो 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20, तो 20 × 20 क्या हो गया, दोनों सेम टू सेम नंबर है तो रेड्यूस हो गया, तो आंसर 1 हो गया। तो इस तरह से हम रिसिप्रोकल हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 1, देन ईच ऑफ द देम इज कॉल्ड द रिसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। और हम ज़्यादा एग्जांपल्स समझेंगे। ओके, यहाँ पे ए दिया है फ्रैक्शन 2/7, तो उसका क्या हो जाए, रिसिप्रोकल 7/2, तो 2/7 × 7/2 तो क्या हो जाएगा, 7 रेड्यूस, 2 रेड्यूस, तो आंसर 1 हो जाएगा। नहीं तो हम 2 × 7 = 14, 7 × 2 = 14 करके भी हम इस तरह से रेड्यूस करेंगे तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 1। 2/5 है तो उसका क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल नंबर 1/5, यानी कि न्यूमिनेटर 5 और डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1। तो 5 × 1/5, तो 5/5 रेड्यूस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। सी 1 × 2/7, तो सो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 9/7, यानी कि 7 × 7 = 9, तो 9/7। ओके, तो उसका हो जाएगा 7/9, तो 9/7 × 7/9, तो आंसर क्या हो गया, 1, यानी कि 9 रेड्यूस हो जाएगा 7/7, अदरवाइज 9/7 = 63 और 7/9 = 63, तो ये दोनों रेड्यूस हो जाएगा तो 1। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। ये एग्जांपल बाय हमें एक्सरसाइज 5th कंप्लीट करना है। तो एक्सरसाइज 5F है क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन बनाना है और उसके बाद कंप्लीट करना है, और यहाँ पे सिर्फ फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर सिर्फ फाइंड करना है। चलो बच्चों अभी हम ये नोटबुक में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 5F, फिल इन द ब्लैंक्स। ए 3/8 × उसका मल्टीकेटिव इनवर्स नंबर हो जाएगा 8/3, तो हम डायरेक्टली इस तरह से रेड्यूस करके भी आंसर क्या हो जाएगा, 1, और उसको हम अदर तरीके से भी कर सकते हैं। 3/8 × 8/3, तो 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 24, तो रेड्यूस हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 1। तो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बी 9 × 1/9, तो उसका क्या, 1/9 क्यों हो गया, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर 1/9 हो गया, तो यहाँ पे 9 रेड्यूस हो गया, तो क्या बचेगा, 1। सी 11/7 × 7/11, ओके, उनका ये जो मल्टीक्लेटिव इनवर्स नंबर क्या हो गया, 7/11, तो ऑफकोर्स ये रेड्यूस हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 1। ओके, डी 9/22 × 4/9, ओके, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया है, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 22, 22/9 और 9/22, ऑफकोर्स यहाँ पे सेम टू सेम नंबर रेड्यूस हो गया, तो आंसर इज 1। ई यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, ओके, तो मल्टीप्लाई 13/15 है, तो उसका मल्टीकेटिव इनवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 15/13, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेम टू सेम नंबर रेड्यूस हो गया, तो आंसर इज 1। एफ 3 1/3 × 3/10, तो आपको 3 3 = 9 है,
एंड वन टेंथ, टेन बाय थ्री मल्टीप्लाई थ्री बाय टेंथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन टेन सेम टू सेम, थ्री थ्री सेम टू सेम, रेडिस हो गया। अदरवाइज टेन मल्टीप्लाई थ्री तो थर्टी, बाय थ्री मल्टीप्लाई टेन थर्टी, तो थर्टी थर्टी रेडिस, तो आंसर क्या हो जाएगा वन। इसी तरह यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट कर दिया है बच्चे। अभी हम क्वेश्चन टू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन टू, फाइंड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिक्स का क्या हो जाएगा, वन बाय सिक्स। टू यानी कि बी का हो जाएगा टू बाय फाइव, तो उसका हो जाएगा टू, वन बाय टू यानी कि टू टू जा फोर एंड वन फाइव, ओके तो फाइव बाय टू, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इलेवन बाई थ्री, तो ऑफकोर्स उसका हो जाएगा थ्री बाय इलेवन। यहाँ पे सिर्फ नाइनटीन दिया है, तो उसका क्या हो जाएगा वन बाय नाइनटीन, यानी कि कुछ भी नहीं, उसका मीनिंग होता है वन, ओके इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया वन बाय नाइनटीन। फिफ्टीन बाय ट्वेंटी थ्री, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री बाय फिफ्टीन, और उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फिफ्टीन है यहाँ पे वन है, इसीलिए क्या होगा फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन, और इसमें एट ऐड करेंगे तो ट्वेंटी थ्री, और ये डिनोमिनेटर फिफ्टीन, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। एफ का होगा ट्वेंटी वन बाई एट, तो एट बाय ट्वेंटी वन। जी का होगा टू वन बाय सेवन, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा सेवन टू जा फोर्टीन एंड वन फिफ्टीन, तो फिफ्टीन बाय सेवन, ये हमने क्या किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो उसका हो जाएगा सेवन बाय फिफ्टीन। एच फाइव वन बाय टू, तो ऑफकोर्स टू फाइव जा टेन एंड वन इलेवन, तो इलेवन बाय टू, तो उसका क्या हो जाएगा टू बाय इलेवन। ऑफकोर्स यहाँ पे वन दिया था, आपको आंसर क्या हो जाएगा वन। फाइव बाय इलेवन, तो उसका क्या यहाँ पे टू वन बाय फाइव, यानी कि फाइव टू जा टेन, टेन एंड वन इलेवन, तो इलेवन बाय फाइव, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ट्वेल्व बाय सेवेंटीन, तो उसका क्या हो जाएगा सेवनटीन बाय टेन, और एल का क्या है सिक्स टू बाई थ्री, तो थ्री सिक्स एटीन एंड टू ट्वेंटी, तो ट्वेंटी बाई थ्री हो गया, तो उसका हो जाएगा थ्री बाई ट्वेंटी। तो यहीं पे एक्सरसाइज फाइव एफ कंप्लीट हो गई। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, और आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करना है।